दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कहा, पर्यावरण की रक्षा के साथ सतत ग्रामीण विकास के लिए परिस्थिति के अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाना है जरूरी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यशाला में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा क्षेत्रीय कार्यशालय व टायर शॉप शाखा राप्ती नगर गोरखपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने की बैठक, अपनी 14 सूत्रीय मांगों को पर बनाई रणनीति। पूर्वोत्तर रेलवे के बुढ़वल सुड़िया मऊ स्टेशन के बीच दोहरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद अब गोंडा से बुढ़वल के बीच 61 किलोमीटर की बिछने जा रही है तीसरी लाइन। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, गोंडा बुढ़वल के मध्य तीसरी लाइन के होने से ट्रेनों का परिचालन होगा सुगम। गैंगस्टर के आरोपित कमलेश यादव और उसके साथी दीनानाथ के खिलाफ एम्स पुलिस ने फिर संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई। दोनों आरोपितों की पत्नियों के नाम से दर्ज मकान को किया जब्त। संपत्ति जब्तीकरण में गैंगस्टर का आईटीआई कॉलेज में भी है शामिल। अपर आयुक्त न्याय राम भरत तिवारी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में मिशन शक्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मंडल स्तरीय कार्यशाला हुआ सकुशल सम्पन्न। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के क्षेत्रीय स्तर की अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में 271 करोड़ रुपए के 140 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, भाजपा बाबा साहब के सपनों को कर रही है साकार। अनुसूचित जाति के लोगों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। कैथोलिक धर्म प्रांत के तीसरे धर्माध्यक्ष बिशप के रूप में फादर डॉक्टर मैथ्यू नेलिकुन्नेल सीएसटी का धर्माध्यक्षी अभिषेक एवं पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन 5 नवंबर को सुबह किया जाएगा सेंट जोसेफ स्कूल खोराबार के प्रांगण में। कैथोलिक डायसेस के पीआरओ एस सेबास्टियन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर में अग्रवाल महिला मंडल की नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का किया गया आयोजन। कर्तव्य निष्ठा की दिलाई गई शपथ।